गाइस, वेलकम बैक टू शाह गेमिंग। आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो हमने न्यू एमुलेटर के ऊपर बनाई है, हॉरिजॉन एमुलेटर, जो कि पीसी का एमुलेटर है। तो ये वीडियो का कंप्लीट ट्यूटोरियल गाइड होगी। इसमें हम लोग सेटअप बताएंगे, सेटिंग्स बताएंगे और उसको रन करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी गेमिंग के ऊपर, तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो APK का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से सिंपली डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है, फिर उसके बाद रन करना है, अलाउ कर देना। फिर उसके बाद आपको जाना होगा बाजू वाले फोल्डर में, ये आपका डाउनलोड का फोल्डर, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन पर जाना है और ये सारी ही चीज़ों को डाउनलोड करना है। वन बाय वन करें या एक साथ करें। तो ये एमुलेटर की सेटिंग्स होती हैं, सॉफ्टवेयर की फाइल्स होती हैं जो चलने में मदद करती हैं। तो इसमें से हम आपको बता देंगे क्या ही डाउनलोड करना है। ये हमने फर्स्ट वाले को डाउनलोड किया है, देखते हैं कितनी देर में होगा। एक चीज़ क्या है, सिर्फ इसको डाउनलोड क्लिक करना है, ये डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉलिंग करके, तो ये ऑटोमेटिक जैसे डाउनलोड कम्प्लीट होगा ये इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये देखो हो गया, अभी देखो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसी तरीके से सारी फाइल्स आपको डाउनलोड करना है, या तो एक एक करके करें या एक साथ आप कर सकते हैं, डिपेंड करेगा इंटरनेट की स्पीड पे। ये वाला भी हो गया, देखो इंस्टॉल हो गया है। तो सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो इसको काफ़ी टाइम लगेगा, डिपेंड आपकी इंटरनेट स्पीड पे करेगा। तो हम एक साथ सारी फाइल्स को डाउनलोड करके फिर वेट करते हैं कंप्लीट होने का। ये सारी फाइल्स को डाउनलोड लगा लो और वाइन पर आपको जो चाहिए उसको करना। हम लोग 9.7 को करेंगे जो कि लेटेस्ट है, बाकी के सारी फाइल्स आप लोग डाउनलोड कर ले सकते हैं। और ये आफ्टर 15 मिनट के बाद ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये सारी चीज़ हम लोग ने डाउनलोड कर ली है, इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये देखिए काफ़ी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब चलते हैं सेटिंग्स पर, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। ये आपको कंप्लीट रेजोल्यूशंस मिल जाएंगे, प्री इंस्टॉल नहीं कह सकते, यानी प्रीसेट कह सकते हैं। तो मैं जाऊंगा 1024 के साथ, पर्सनली मैं ये यूज़ करता हूँ। और ये सारी सेटिंग्स को ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट रन करते हैं। तो देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर कैसे चलेगा, फिर उसके बाद चेंजेस करते हैं। और इस सेटिंग से उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कंटेनर क्रिएट करने की ओर। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्रिएट ए न्यू कंटेनर। तो ये रही सेटिंग्स, सारी सेटिंग्स फॉलो कर लेना। ये ग्लोबल रखते हैं, ये लेटेस्ट वाला रख देते हैं। DXVK में आपको सारे ही ऑप्शंस मिलेंगे, हम लोग 1.10 अभी यूज़ करेंगे। गेम के हिसाब से चेंजेस करके देखना होगा, ये सारी ऑप्शंस है, इसमें लेटेस्ट वाली यूज़ कर लो। तो बस इसी तरीके से सेटअप कर लेना है और उसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फाइल मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमने कंटेनर का नाम चेंज कर देखते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, दो दो कंटेनर यहाँ पर दिखा रहा है। देखते हैं हॉराइजन इसको नाम देंगे, जो कि एमुलेटर का नाम है। पता नहीं कहीं पर शो तो अभी भी नहीं कर रहा है, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग एमुलेटर ट्राई करते हैं। ये हमने क्लिक किया है, ये लोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम के लिए, उसके बाद से नॉर्मली चलेगा। तो ये फर्स्ट टाइम में लोड नहीं हुआ, तो फिर से एक बार हम लोग उसको रन करेंगे। सेकंड टाइम हम उसको रन कर रहे हैं, देखते हैं कभी होगा। तो ये फाइनली हमारा एमुलेटर रन हो चुका है। तो ये देखिए रिकॉर्डिंग का मसला हो गया, इसलिए स्क्रीन काफ़ी ब्लर हो गई है, क्वालिटी हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर लेंगे। हमने नोटिस नहीं किया था कि ये स्मॉल वाली स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रही थी। तो ये सारी सेटिंग्स आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिकली एक सॉफ्टवेयर VLC डाउनलोड करके रखा है PC का, तो उसको हम लोग नॉर्मली सेटअप करके इंस्टॉल करके उसको यूज़ करके देखेंगे क्या होगा, नहीं होगा, कुछ एरर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट गेमिंग बताएंगे कि भाई गेम डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और गेम को चला सकते हैं, क्या इशूज़ आएंगे, क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। अभी तो हम लोग ने जैसे एमुलेटर लॉन्च हुआ है तो उसके लिए क्विक गाइडलाइन, एक गाइड वाली हमने
वीडियो सेटअप वाली बना दी है, तो वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने का। तो ये हो गया है इंस्टॉलेशन डन, और इसको रन करना होगा, फिनिश करते हैं। टिक को वैसे ही रखेंगे आप तो रन होगा। ये ड्रैग कैसे होगा भाई पता नहीं, इसमें ड्रैग वाला कैसा ऑप्शन है हम लोग पता लगा लेंगे। तो अभी तो ये ड्रैग हो नहीं रहा है, तो इसको हम लोग नॉर्मली क्लोज करके VLC को यूज़ करेंगे। तो कोई भी एक वीडियो या ऑडियो फाइल चला कर देख लेते हैं, हमारे पास शायद ही कुछ होगा चलाने के लिए। तो हमने एक ऑडियो ट्रैक प्ले किया है, तो उसको हम लोग म्यूट करेंगे कॉपीराइट मसले के लिए। तो ये हमने ऑडियो प्ले कर लिया है, और ये देखिए टाइमर, और ये ऑडियो चल भी रहा है। कॉपीराइट के लिए हमने ऑडियो को म्यूट कर दिया है। तो बस इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ इसमें इंस्टॉल करनी होती है। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ आप लोग वीडियो कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी गेमिंग के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।